जब संविधान बनाया गया था तब बाबा साहब ने संविधान को कुछ इस तरह से लिखा था कि देश के किसी भी नागरिक के साथ कोई अन्याय ना हो, दलितों और पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए भी कानून बनाए, उन्हें आरक्षण दिया। वो सारी जिंदगी जाति और धार्मिक भेदभाव मिटाने के लिए ही लड़ते रहे। वो स्वयं हिंदू थे और उस वक्त भी भारत में हिंदुओं की संख्या अन्य धर्मों को मानने वालों से कई गुना ज्यादा थी। जब पाकिस्तान बना था, जो वो धर्म के आधार पर ही बटा था, ऐसे में हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र होने को लेकर बहस शुरू हुई, लेकिन फिर भी भारत को धर्म निरपेक्ष देश बनाया गया। बाबा साहब का मानना था कि भारत का हिंदू राष्ट्र होना बहुत बड़े खतरे को निमंत्रण देगा। आखिर क्यों बाबा साहब हिंदू राष्ट्र को खतरा मानते थे, अपने इस वीडियो में हम यही जानेंगे। 1940 के आसपास जब धर्म के आधार पर पाकिस्तान की मांग शुरू हुई थी, तब हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र की भी मांग शुरू हुई थी, मगर बाबा साहब ने तब ये चेतावनी दी थी कि हिंदू कुछ भी कहे पर हिंदुत्व स्वतंत्रता बराबरी और भाईचारे के लिए एक खतरा है। अंबेडकर की नज़रों में हिंदू राष्ट्र अन्य धर्म की अपेक्षा हिंदुओं के लिए ही सबसे बड़ा खतरा थी। ये दलितों और महिलाओं के ही सबसे ज़्यादा खिलाफ होती। हिंदू सदैव जाति व्यवस्था से जुड़े रहेंगे और ये जाति व्यवस्था बड़े असमानता को पैदा करती है। ये समानता, बराबरी, भाईचारे और लोकतंत्र की सोच को आगे बढ़ने से रोक लगाती है। बाबा साहब का मानना था कि जातिवादी असमानता हिंदुत्व का प्राण तत्व है, इसलिए हिंदू राष्ट्र समाज के लिए ही नहीं बल्कि समाज के विकास के लिए भी खतरा बन सकता है। इसके लिए महिलाओं के लिए भी ये खतरा बनेगा और उनके विकास, उनकी सोच को संकुचित करने का दबाव बनाएगा, क्योंकि जातिगत असमानता और अपने हिंदुत्व के एजेंडे को बनाए रखने के लिए महिलाओं को जो थोड़ी बहुत अंतर जातीय विवाह करने की आज़ादी है वो भी नहीं होती। ऐसे में अगर हिंदुत्व को मानने वालों के लिए जाति को न मानना, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हिंदू राष्ट्र मानवता के लिए, विकास के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता था। आप देख रहे हैं नेटवर्क न्यूज़, साहस सच कहने का।